पैदल लोग ना चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल ना करें। भीषण शीत लहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी ना चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे, हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे।